राजधानी भोपाल के छोला क्षेत्र स्थित टिम्बर मार्केट में रविवार रात भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन फतेहगढ़ सहित सभी फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना किया गया, जो सड़कों पर निकल रही बारातों में फंस गई। जैसे तैसे करके फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और आधे से ज्यादा गोदाम व फैक्ट्री जलकर खाक हो चुका था। इसके बाद फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाला और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। देखिए रिपोर्ट। शहर के छोला मंदिर स्थित टिम्बर मार्केट में रविवार रात करीब 8 बजे आग लग गई, जिससे यहां पर एक टिम्बर फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुराने शहर में शादी समारोह चल रहा था, जिससे दमकलों को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी वजह से घटना के करीब आधे घंटे देरी से दमकलें मौके पर पहुंच पाई। रात करीब 11 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। बता दें कि छोला दशहरा मैदान के पीछे टिम्बर मार्केट है, जहां एक दर्जन से ज्यादा बड़ी टिम्बर फैक्ट्रियां हैं। यहां बड़े पैमाने पर लकड़ी का स्टॉक है। इनमें से विजय छाबड़ा की फैक्ट्री में रात करीब 8 बजे आग लग गई। आग की लपटे और धुआं देखकर कर्मचारियों ने सूचना फायर ब्रिगेड को दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।